केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत हुई दिल्ली से और फर्स्ट डे मैं ऋषिकेश में स्टे किया। ये है लक्ष्मण झूला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं सोनप्रयाग के लिए निकल गया। सोनप्रयाग के रास्ते में सबसे पहले पड़ता है देवप्रयाग, जो कि पंच प्रयागों में आखिरी प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा भागीरथी से आकर मिलती है और आगे गंगा के नाम से बहती है। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने श्रीनगर से थोड़ा पहले एक ब्रंच कर लिया। केदारनाथ इज 125, बद्रीनाथ इज 193 और अभी हम हैं श्रीनगर में। भाई बीच है यहाँ पे, देखो दिस इज गुड, बोट वोट चल रही है भाई। उधर उधर पेड़ जल रहे हैं यार, उधर कोई आग लगाने तो नहीं जा सकता। क्या लगता है धूप की वजह से जल रहे हैं? कभी कभी खुद ही कोहरा खास इग्नाइट हो जाता है या किसी ने जलाया है। और यहाँ से स्नो कैप माउंटेन्स दिखना चालू हो गया है, ये रे अब आएगा असली मज़ा केदारनाथ। यहाँ पे बहुत हरियाली है यार। और सोनप्रयाग ओनली 6.8 किलोमीटर्स, 20 मिनट्स में बोल रहा है कि पहुँच जाएंगे। पहुँच गए सोनप्रयाग। ये है सोनप्रयाग। यहाँ पर अकोमोडेशन के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सोनप्रयाग के आगे एटीएम नहीं है, तो अगर आपको कैश निकालना है तो आपको यहीं से निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे एक एसबीआई की एटीएम मशीन है। सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड जाने के लिए शेयर टैक्सी मिलती हैं, जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज लेती हैं। और हाइक चालू, ट्रैक चालू हो चुका है केदारनाथ का। एकदम सुबह के 6:30 बज रहे हैं और फील आ रही है। गौरीकुंड से केदारनाथ का डिस्टेंस 22 किलोमीटर है। रास्ते में बहुत सारे साइन पोस्ट हैं जो आपको रिमेनिंग डिस्टेंस बताते रहते हैं। ये सफ़र मैंने स्टार्ट तो अकेले किया था, लेकिन मेरे को इस जर्नी का अपना एक पार्टनर मिल गया, दुष्यंत भाई। गाने चला रखे भाई ने। भाई कई लोग फील में चलने के लिए रहते हैं, क्योंकि फील इम्पोर्टेंट है। भाई किसी को फ्री वाईफाई चाहिए? यहाँ पे वाईफाई चल रहा है, ऐसे चीज आ रहे हैं धड़ाधड़। वाईफाई चलता है भाई लोग। ये जो नदी बह रही है इसका नाम है मंदाकिनी, और ये इतनी सुंदर है दिखने में। जहाँ पे ये हाइट से गिरती है वहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे दूध गिर रहा हो, और आगे जब ये फ्लो करती है तो ऐसे लगता है जैसे कि दूध की नदी बह रही है। ये पूरा का पूरा हाइक इतना सीनिक है, इतना सुंदर है कि ये हाइक टायरिंग फील ही नहीं होता। जिस तरफ देखो उस तरफ ब्यूटी है। Come here, bro. Come here, bro. Let me pet you, bro. Let me pet you. चल निकल। ये पेट करना पसंद है। चलो सी यू। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 4 किलोमीटर बचा है। ये एक ग्लेशियर है जो कि 12 महीने यहाँ पे रहता है। देखो ना ये पूरा ढह गया ना। सो ये वो वाला पार्ट है जिसमें पहले लोग जाया करते थे कि
वही है ब्रो, देखो ना आप, देखो पूरा केदार तक जा रहा है। नहीं जा तो रहा है, वो कच्चा रास्ता है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल है, और यहाँ से ये माउंटेन रेंज जो दिख रही है वो इतनी सुंदर है। कोई बोलता है कि यहाँ पे शिव है, कोई बोले शंभू, मुझे तो यहाँ सुकून मिला, वो सुकून जिसमें मैं नहीं। और मंदिर के आगे बैठे बैठे कब रात हो गई पता ही नहीं लगा। रात को यहाँ पे आरती हुई जिसमें आर्मी बैंड ने भी परफॉर्म किया। और आर्मी बैंड ने इतने ज़ोरों शोरों से परफॉर्म किया कि हम लोगों को भी जोश आ गया और हम लोगों ने भी यहाँ पे डांस किया। हमें यहाँ पे केदार बाबा के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन पुजारी जी ने बोला कि अगर आप सुबह 3 बजे आओगे तो आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे।